हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल एक वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा आपका फ़ोन का नोटिफिकेशन बार में आपका मनपसंद का कोई भी फोटोज़ कैसे लगा सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में। अगर दूसरी किसी आपका फ्रेंड ऐसे देखेगा वो तो 100% चौंक जाएगा एंड आपको भी पूछेगा ये आप कैसे किया, मुझे भी आप पूरा बताओ। अगर ये वीडियो आप एक बार देख लेगा तो सिर्फ आप एक क्लिक में आपका मनपसंद का कोई भी फोटोज़ लगा सकते हैं, जैसे मन चाहो ऐसे आप कलर सब कुछ आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सब कुछ आप लोग को दिखाऊँगा, तो सिर्फ आप वीडियो आप एक बार एंड तक देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपका फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कीजिए। तो ये गूगल क्रोम ब्राउज़र सभी फ़ोन में डिफ़ॉल्ट ही रहते हैं, तो ये ब्राउज़र ओपन कीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर ब्राउज़र में सर्च रूम में लिख के सर्च कीजिए टेक सेम टीवी एंड्रॉयड 12। यहाँ पर मैं जैसे सर्च कर रहा हूँ एग्जैक्टली सेम ऐसे लिख के सर्च कीजिए एंड सबसे पहली एक आर्टिकल आपको देखेगा। यहाँ पर सबसे पहली उसी आर्टिकल में आप लोग एक बार क्लिक कीजिए। उसी आर्टिकल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसी आर्टिकल अच्छी तरह से आप लोग ओपन होने दीजिए। यहाँ पर 10-15 सेकेंड यहाँ पर वेट कीजिए। उसके बाद आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके जाइए। नीचे स्क्रॉल डाउन करके चले जाने के बाद यहाँ पर कुछ सेकेंड यहाँ पर आप लोग वेट कीजिए। कुछ सेकेंड वेट करने के बाद यहाँ पर एक प्रीमियम एप्लीकेशन आप देख पाएगा। यहाँ पर प्रीमियम एप्लीकेशन भी यहाँ पर क्लिक हेयर टू डाउनलोड पे आप लोग क्लिक कीजिए। उसके बाद उसी एप्लीकेशन आपका फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कीजिए। डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद उसी एप्लीकेशन आपका फोन में ओपन कीजिए। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, ये एक प्रीमियम एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पर डुअल सिम, यहाँ पर डुअल सिम के एक्सेस यहाँ पर परमिशन दीजिए। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी पर आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर वन सेट पर आप क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आप परमिशन दीजिए, यानी सभी यहाँ पर सभी का परमिशन आप लोग दीजिए। उसके बाद उसी एप्लीकेशन अभी ओपन हो चुकी है। उसके बाद आपको ऐसे सिंपल सा एक इंटरफेस देख पाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पर कलर्स में आप लोग क्लिक कीजिए। कलर्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए कस्टम बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर सिलेक्ट पर आप एक बार क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका फोन का गैलरी पर लेके जाएगा। जो फोटोज आपका फोन का नोटिफिकेशन बार में आप सेट करना चाहते हैं उसी फोटोज यहाँ पर चूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक फोटो चूज किया। यहाँ पर क्रॉप यहाँ पर कर सकते हैं, साइज यहाँ पर क्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना हिसाब से यहाँ पर क्रॉप किया। उसके बाद सिलेक्ट में मैं एक बार क्लिक किया तो यहाँ पर देख लीजिए अभी नोटिफिकेशन बार में यहाँ पर सेट हो चुके। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर बॉटम का कलर्स यहाँ पर सब कुछ चेंज कर सकते हैं। वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए बैकग्राउंड कलर्स, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो कलर्स आप रखना चाहते उसी कलर सिलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई में क्लिक कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए अभी बॉटम का कलर भी यहाँ पर सब कुछ चेंज हो चुके। तो इसे आपका मनपसंद का जैसे मन चाहो इसे आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए देर सारो यहाँ पर फंक्शन दे दिया है, तो आप लोग खुद ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर जैसे मन चाहो इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।